Assalamualaikum guys, this is Yasir and you are watching Yes Tekken Gaming. Guys, आपने last video देखी थी, हमने 10C की unboxing की थी, 10/10. आज हम इसका डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं और इसका कंपैरिजन करेंगे हम 9C के साथ, ताकि हमें पता चल सके कि नया आने वाला 10C 9C के मुकाबले क्या ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस रखता है या नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, आज हम डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं 10C का, लेकिन हम करेंगे कुछ ऐसे कि 9C और 10C दोनों का कंपैरिजन साथ में करेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि 10C में अगर कोई चीज़ ज़्यादा है या कोई चीज़ बेहतर है 9C के मुकाबले, तो आपको उसका पता चल जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन की, जो कि सबसे पहले कस्टमर देखता है कि भाई फ़ोन का डिज़ाइन कैसा है, तो डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो 9C में आप देखें कि आपको एक कैमरा सेटअप नज़र आ रहा है, जिसमें 3 कैमरे और एक फ्लैशलाइट एक ही कैमरे फ्रेम के अंदर आपको नज़र आ रही है। जबकि यहाँ पे कैमरे का जो फ्रेम है उसको थोड़ा बड़ा किया गया है, जिसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे कैमरा स्पेसिफिकेशन क्या है उसमें हम बाद में बात करेंगे। आ जाते हैं हम फ्रंट वाली साइड पर। अगर आप देखें तो 9C में जो आपको स्क्रीन साइज देखने को मिल रहा था, वो आपको मिल रहा था 6.53 इंच का, जबकि 10C में आपको मिलता है 6.7 इंच का। तो स्क्रीन का साइज भी बढ़ गया है। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये हो गई बात डिज़ाइन की। स्लिमनेस दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। इसका अगर आप साइज़ देखें तो थोड़ा सा जो है वो इससे साइज़ में थोड़ा हाइट में थोड़ा बड़ा नज़र आता है 10C आपको, क्योंकि स्क्रीन साइज़ बड़ा हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डिस्प्ले की। डिस्प्ले की बात करें गाइज, तो यहाँ पर आप देखें 10C और 9C दोनों की रेजोल्यूशन आपको HD मिलती है, जिसमें 720x1600 और 720x1650 10C में देखने को मिलती है। सिर्फ 50 पिक्सल्स का थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे आ जाता है। ऑलमोस्ट रेजोल्यूशन दोनों की सेम है, PPI भी दोनों की सेम है। हाँ, स्क्रीन टू बॉडी रेशो की आप बात करें, यहाँ पे आपको 81% स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलता है और यहाँ पे 82% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कैमरे की 9C में। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि 3 कैमरा सेटअप है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा जो है वो आपको 13 मेगापिक्सल का मिलता है, और 5 मेगापिक्सल आपको वाइड एंगल मिल जाता है, और 2 मेगापिक्सल आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। जबकि 10C में आपको मेन कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल का मिलता है। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि रेयर कैमरा 13 से डायरेक्ट 50 मेगापिक्सल हो जाता है यहाँ पे, और उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे वाइड एंगल सेंसर आपको नहीं मिलता, जो कि 50 मेगापिक्सल के थ्रू ही पिक्चर ली जाएगी यहाँ पे। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे डेप्थ सेंसर भी आपको वाइड एंगल भी मिल रहा है, और यहाँ पे वाइड एंगल मौजूद नहीं है। अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोनों में 5 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा है, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको जो चिपसेट देखने को मिलता है वो G35 है, जो कि एक ऑलमोस्ट बेसिक प्रोसेसर माने जाते हैं। और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट आपको देखने को मिलता है, जो कि 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन के साथ है या 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन के साथ है। तो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी रैम और रोम की, तो यहाँ पे दोनों में रैम और रोम जो है वो आपको अपनी मर्जी की मिल जाती है। 4GB 64GB और 4GB 128GB दोनों ऑप्शन आपको दोनों में मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो UFS फाइल सिस्टम है वो 2.2 देखने को मिलता है। तो प्रीवियस यहाँ पे EMMC वाला जो फाइल सिस्टम था, वहाँ पे वही आपको देखने को मिलता है 9C में, जबकि 10C में जो है वो लेटेस्ट UFS 2.2 फाइल सिस्टम देखने को मिलता है। तो यानी जो आपका डेटा की जो है वो एग्जीक्यूशन यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगी, परफॉर्मेंस यहाँ पे ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें बैटरी की, तो 9C में भी आपको 5000mAh की बैटरी मिल रही है, और 10C में भी आपको 5000mAh की बैटरी मिल रही है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, यहाँ पे 18V की फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाती है 10C में। और साथ साथ अगर हम बात करें तो 9C में वही प्रीवियस बी टाइप आपको चार्जिंग मिलती थी, और यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिल जाती है चार्जिंग के लिए, जो कि जाहिर सी बात है लेटेस्ट है। तो यहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन ज़्यादा बेहतर मिल जाता है। तो ये बेसिक चेंजिंग आपको नज़र आ रही है 9C और 10C में। अगर आप 10C पे जाते हैं तो आपको कैमरा ज़्यादा मिल जाएगा, आपको बैटरी में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको प्रोसेसर ज़्यादा बेहतर मिल जाएगा, आपको स्क्रीन साइज़ ज़्यादा बड़ा मिल जाएगा,
और फास्ट चार्जिंग के साथ यूएसबी टाइप सी की सपोर्ट मिलेगी। तो गाइस दोनों का हमने स्पेसिफिकेशन वाइज कंपैरिजन किया। अगर प्राइस की बात करें तो अराउंड 20,000 to 23,000 में आपको 9C मिल जाता है और 32,000 to 33,000 to 34,000 में आपको 10C मिल जाता है। तो प्राइस का काफ़ी डिफरेंस है, जाहिर सी बात है स्पेसिफिकेशन का भी यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अब हम करते हैं 10C का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी टेस्ट, यानी इसका कैमरा टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि कैमरे में ये क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। उसको देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि 10C की हमने जो अनबॉक्सिंग की थी 10/10, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो को भी ज़रूर देखिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मुझे दीजिए इजाज़त और चलते हैं हम कैमरा टेस्ट की तरफ।